नहीं या फिर मैं क्या था आ नहीं पाया. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन बच्चे. तो लास्ट टाइम जब हम करके आए थे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और फिर हमने ये चीज बोली थी कि नेक्स्ट क्लास में हम एंथैल्पी हमने पढ़ लिया था, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में हम एंट्रोपी डिस्कस करेंगे. We will discuss entropy in the next class, ठीक है ना. हम second law of thermodynamics में पढ़ रहे थे कि जो entropy होती है universe की entropy हमेशा increase करती है, it will never decrease. तो अब हम entropy के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं कि entropy होती क्या है, how we can define these terms. So let's start the session. तो बच्चे सबसे पहले आती है बात spontaneity and non-spontaneity of reaction की. सबसे पहले हम कई बार लिखते हैं दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर एंड दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या मतलब क्या होता है ये स्पॉन्टेनिटी का क्या मतलब है. अच्छा अगर मैं हिंदी में पूछू स्पॉन्टेनियटी क्या होती है, मुझे हिंदी में ही बता दो. अच्छा मैंने अभी अभी एक वर्ड यूज किया कि सबने हर रोज क्लास में आना है, मतलब एक पर्टिकुलर रेगुलरिटी मैंने बोली, तो स्पॉन्टेनियसिटी का क्या मतलब होता है कोई मुझे हिंदी में भी बता सकता है. चैट में लिख दो, अभी माइक तो चलो ऑफ कर दिया मैंने. चैट में बताओ मुझे स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है बेटा. यस व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस, रैंडमनेस. ठीक है अगर हम स्पॉन्टेनिटी को बोले रैंडमनेस तो बोल सकते हैं, वो तो एंट्रोपी आ जाएगी ना, having the potential that naturally occurring. ठीक है generally spontaneous का मतलब है naturally occurring. ठीक है ना, this is very good गणेश ना, बिल्कुल exactly जो naturally occurring things होती है naturally occurring. अगर हमें spontaneity का मतलब बताना है तो उसका मतलब क्या रहेगा, easy language में naturally occurring, यानी nature से ही हो रही है खुद ब खुद. अब जैसे एक example हम क्या लेंगे खुद ब खुद का, कि आपने बच्चे पढ़ा होगा एक होता है reflex action, कि किसी भी गर्म चीज को हम हाथ लगाते हैं तो हम फटाफट से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, करते हैं ना पीछे फटाफट. उसमें क्या है, आपको कोई external force तो नहीं है, किसी ने धक्का तो नहीं दिया, आपने हाथ लगाया और खुद ब खुद पीछे फटाफट से हो जाता है. सो दैट इज नेचुरली अकरिंग प्रोसेस. हमें पता है कि दिमाग को इससे पहले सिग्नल मिले हम फटाफट से पीछे कर लेते हैं, कि सडनली होना नेचुरली होना दैट वुड बी कंसीडर्ड एज स्पॉन्टेनियस. ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हमारे पास कौन सी होती है बेटा, जो खुद ब खुद होती है नेचुरली. अब आप लोगों को मैं फोर्स एक बारी कर सकती हूँ, दो बारी कर सकती हूँ, क्लास में आना या ना आना वो तो आप पे ही डिपेंड करता है. ठीक है ना, मैं कितनी बार कह लूंगी. और अगर मैं बोलूं नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा बेटा, विद एक्सटर्नल फोर्स. स्पॉन्टेनियस तो थी जो नेचुरली अक्रिंग है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी हो जाएगी फिर, जिसको पकड़ के करवाना पड़ रहा है, जबरदस्ती पढ़ाई करानी पड़ रही है ना, वो क्या हो गई हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसा कह सकते हैं हम. यस. अच्छा आप मुझे बताओ आप लोग कैसे पढ़ोगे, स्पॉन्टेनियसली तरीके से या नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से. अब मुझे अपना बताओ कैसे पढ़ने वाले हैं मेरी क्लास में बच्चे, स्पॉन्टेनियसली या नॉन स्पॉन्टेनियसली. स्पॉन्टेनियस में अंकित, नंदिता, प्रवीण, पायल, वेरी गुड. मतलब लड़कियां तो बहुत अच्छी होती हैं, सारी लड़कियों ने स्पॉन्टेनियसली लिखा है, साकेत ने भी लिख दिया. चलो लड़कियां स्पॉन्टेनियसली बोल रही हैं, लड़कों को करना पड़ेगा ना थोड़ा पुश. नहीं अमन भी आ गया, अमन उस कैटेगरी में है. यस बॉयज अपनी पावर दिखाओ, बिल्कुल सही, वेरी गुड. तो सब बच्चे स्पॉन्टेनियस तरीके से पढ़ने वाले हैं, कि अंदर से आना चाहिए, क्लास लगानी है, ऐसे बोझ लेके नहीं, हाय अब तो पढ़ना पड़ेगा, क्लास का लिंक आ गया हमें तो क्लास लगानी पड़ेगी, ऐसे सोच के नहीं आना. बी एनर्जेटिक, अरे वाह आज तो केमिस्ट्री की क्लास है तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन करते हैं. ठीक है तो ऐसे पढ़ेंगे, वेरी गुड. सो दिस इज स्पॉन्टेनियस बच्चे, नेचुरली अकरिंग. नॉन स्पॉन्टेनियस में हम कोई फोर्स लगाएंगे कि लिंक के बाद एक मैसेज भी जा रहा है, मैसेज के बाद भी नहीं आ रहा है, फिर टीचर बोलेगी यार आता ही नहीं है आता ही नहीं है. ठीक है वो तरीका वो अपनाने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है ओके चलो अब हम अपनी मेन बात पे आते हैं, एंट्रोपी पे, जो काफी टाइम से हमारी पीछे रह गई थी.
ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बोला था कि हम इसको अगली क्लास में लेके आएंगे, तो अब हम अपनी एंट्रोपी का जो सस्पेंस लास्ट क्लास में छोड़ के आए थे उसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। ऐसा क्या था एंट्रोपी का मतलब, क्या होता है बच्चे एंट्रोपी? एंट्रोपी जनरली क्या है, रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। जैसे आपने देखो लेक्चर में पढ़ा होगा बच्चे, मैंने बताया था जब हम गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो हमेशा मोशन में होते हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं, कभी वो आपस में टकराते हैं, कभी वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं, ठीक है, बट वो टकरे मारते ही रहते हैं। ठीक है, लाइक अ स्टूडेंट हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि हम हर वक्त मोशन में हो, कहीं से कोई किताब उठाओ, कहीं से कोई मतलब बुक्स में अपना माथा मारते रहो, दैट्स द थिंग। ठीक है, तो एंट्रोपी बच्चे क्या है, दिस इज अ मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितनी रेंडमनेस रहती है या क्या डिसऑर्डर है उस चीज को जब हम प्रोनाउंस करते हैं, दैट वुड बी कॉमनली नेम्ड एज एंट्रोपी। उसको क्या नाम दिया गया, एंट्रोपी का। तो एंट्रोपी क्या है, किसी भी सिस्टम में कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसऑर्डर्ड सिस्टम में कितनी रैंडमली वो मूव करते हैं, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंट्रोपी। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये हमें किसने बताया था, एक जर्मन फिजिस्ट थे नेम रुडोल्फ क्लॉसस इन द ईयर 1850। ठीक है, क्या नाम था साइंटिस्ट का, रुडोल्फ क्लॉसस, ठीक है, क्लॉसस नाम था उनका, और 1850 में उन्होंने दिया था। अब पिछली क्लास में कुछ बच्चे पता है क्या मेंशन कर रहे थे कि मैम पहले के साइंटिस्ट सब अपने नाम पे ही देते थे, आइंस्टाइन ने इक्वेशन बनाई तो उसने बोल दिया आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, अगर पॉली ने प्रिंसिपल दिया तो नाम हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा शरीफ निकला। ठीक है, इसने बोला मैं एंट्रोपी दे देता हूँ, बच्चे कहाँ रुडोल्फ क्लॉसस याद करेंगे, है ना, इजी कर दिया ना, एंट्रोपी नाम ज्यादा इजी है, अब कहा हम भी रुडोल्फ क्लॉसस करते, बट हमें पता होना चाहिए, नाम हमें फिर भी याद करना पड़ रहा है। ठीक है ना, नाम हम याद रखेंगे कि एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सो दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रुडोल्फ क्लॉसस। ठीक है, तो ये थी बच्चे एंट्रोपी। अब जैसे कि अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उनमें जो रेंडमनेस होगी वो एज कंपेयर टू गैसेस क्या होगी, थोड़ी लो होगी। ठीक है ना, सॉलिड में लो होगी, फिर लिक्विड में थोड़ी उससे हाई होगी, और गैशियस में बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड रहता है तो उनकी एंट्रोपी भी जनरली हाई होती है। ठीक है ना, उनकी एंट्रोपी क्या रहती है बेटा, हाई रहती है, क्योंकि वहां पे रेंडमनेस थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज की। द एंट्रोपी चेंज इन अ प्रोसेस, हम एंट्रोपी चेंज को मेजर कैसे करते हैं, यानी पहली बात एंट्रोपी को हम S लेटर से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, एंट्रोपी का सिंबल क्या है हमारे पास, S। तो बच्चे अगर हमें चेंज दिखाना होता है तो हम क्या लगा देते हैं, हमेशा डेल्टा S लगा दो। ठीक है ना, डेल्टा S का मतलब क्या होता है कि एंट्रोपी चेंज, जहां पे भी हम डेल्टा वर्ड लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमने डेल्टा H पढ़ा था ना एंथैल्पी चेंज, तो डेल्टा S का क्या मतलब है, एंट्रोपी चेंज। सो द एंट्रोपी चेंज इन अ प्रोसेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, यानी कि एंट्रोपी चेंज क्या है बेटा, कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपकी एमिट हो रही है या एब्सॉर्ब हो रही है उसको आप टेम्परेचर के साथ डिवाइड करते हो। ठीक है ना, डेल्टा एस का क्या फॉर्मूला होता है कि कितनी क्यों क्या है हमारी अमाउंट ऑफ हीट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है हमारी एमिट हो रही है या एब्सॉर्ब हो रही है, डैट वॉज डिवाइडेड इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसको जब हम उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं, देन वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एस। क्लियर हुआ ये सबको? यस, हाँ बच्चे एंट्रोपी रिपीट कर देते हैं अंकित। देखो बेटा एंट्रोपी का क्या मतलब है, एंट्रोपी होता है कि किसी की रेंडमनेस को मेजर करना, कि कोई सिस्टम जो है उसमें कितनी रेंडमनेस है, मॉलिक्यूल जो है वो कितने डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है। अगर मैं बोलूं कि एक मेरे पास एक क्लास है, ठीक है ना, मैंने बोला कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स की क्लास है और मैंने सबको एन अरेंज करके रखा कि मेरे 5 स्टूडेंट रोल नंबर वाइज 1, 2, 3, 4, 5 बैठे हैं। अब एक टीचर आई, उसने बोला बैठ जाओ जैसे बैठना है, उसमें 1, 3, 5, 4, 2 ऐसे बैठ गए, तो ये हो गई रैंडमनेस कि कितनी रैंडमली वो बैठे हुए हैं, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंट्रोपी कि कोई मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। जब रैंडमनेस होती है किसी भी सिस्टम में उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। यस नंदिता प्लीज टेल, नंदिता कुछ कहना है बेटा?
यही होगा बच्चे, एक दिन में जो केमिस्ट्री की क्लासेस होती है ना वो रिपीट होने वाली है। उसमें ये नहीं है कि आपका मतलब पहले ये कराया है, अगली क्लास में कुछ और, ठीक है? तो यही चीज रिपीट होगी। अगर मतलब आप अपने रिस्पेक्टिव बैचेस में ही ज्वाइन करो बेटा, वो तो ओपन बैच है ना, वो सिर्फ रिपीटेशन के लिए होता है कि जिसका किसी भी कारण से लेक्चर रह गया है वो अब उस क्लास में जा सकता है, बट जो आपको बैचेस मिले हैं एटलीस्ट आप उस बैच में जरूर करोगे अपना वो, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन दिखाओगे। ओके डन है, ठीक है? ये सबको समझ आया एंट्रोपी चेंज तक? यस और नो? अब हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी की। कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रहे हैं तो ये थर्मोडायनामिक फंक्शन ही है। और कैसे थर्मोडायनामिक फंक्शन है? अभी अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, हीट इन्वॉल्व है। जिस भी उसमें हीट इन्वॉल्व होगी बेटा वो तो थर्मोडायनामिक ही होगा ना। अब अगर हीट इन्वॉल्व है तो डैट वुड बी थर्मोडायनामिक, उसका मस्ट है कि वो थर्मोडायनामिक ही होगा, ठीक है ना? सो दिस इज अ थर्मोडायनामिक फंक्शन। और नेक्स्ट क्या है? एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या है? ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि कौन सा पाथ उसने फॉलो किया। डैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डैट, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, बट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट में मैंने बताया था, आप लोग तो थे नहीं मेरी क्लास में, जब मैं क्लासेस करवाई थी तो मैंने सब बच्चों से पूछा था कि जैसे एक चीज लिखी है डेल्टा एच एफ और एक चीज लिखी है डेल्टा एच नॉट एफ। यहाँ पे बच्चे नॉट जब लग जाता है ना हर एक चीज के साथ तो उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट में है, यानी कि उसके ऊपर स्टैंडर्ड कंडीशन लगी हुई है, ठीक है? तो अगर आप जनरल रिप्रेजेंट करते हो एंट्रोपी को एस से, बट इन स्टैंडर्ड स्टेट में हम उसको एस नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? जाउल पर कैल्विन मोल, ठीक है? जाउल पर कैल्विन मोल। और सीजीएस यूनिट क्या रहेगी बेटा? कैलोरी पर कैल्विन मोल। और एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट इट स्केल्स विद, दैट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। जो साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है ना? सो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, क्योंकि जितना ज्यादा साइज होगा बच्चे उतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी ना। अब अगर मैंने बोला कि मेरे पास पांच ही बच्चे थे, मैंने उनको बोला भी बैठ जाओ जैसे तैसे, अब वो पांच बच्चों को अरेंज दोबारा करने में मेरे को कितना ही टाइम लगेगा? 2-3 मिनट लगेंगे। मैं बोलूंगी उठो भाई सही से बैठो, ठीक है? ऐसे ही अगर मेरे पास 50 बच्चे हों और वो 50 बच्चे अलग अलग तरह से बैठ जाए तो आधा क्लास तो हमारा किस में जाएगा? उन बच्चों को अरेंज करने में, रोल नंबर वाइज। कुछ तो उठते ही नहीं है क्लास में, है ना? होते हैं ना कुछ ऐसे बच्चे जो उठ के ही राजी नहीं होते, अपना नाम बताते ही नहीं है, रोल नंबर। कौन कौन ऐसे करता है अपनी क्लास में? यस, सो दैट्स द थिंग बेटा। तो ये साइज पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ज्यादा रैंडमनेस हाई होती है। सो दीज आर द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी। ये थर्मोडायनामिक फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, रिप्रेजेंट करते हैं एस से, बट स्टैंडर्ड स्टेट में हम इसको एस नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट होती है बेटा जाउल पर कैल्विन मोल, सीजीएस यूनिट इसकी कैलोरी पर कैल्विन मोल, और एंट्रोपीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सबको क्लियर हुई प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी? क्लियर टू एवरीवन? यस यस, फटाफट से यस यस कर दो, हैंड रेस करते चलो। हाँ, जिसको टाइपिंग में टाइम लग जाता है ना फटाफट हैंड रेस कर दिया करो। क्रिस्टल क्लियर, देखा? नंदिता, नंदिता शायद मेरी स्टूडेंट है, एम आई राइट नंदिता? है ना? एक, क्योंकि सीसी का मतलब पहले मुझे नहीं पता था, ये मेरी स्टूडेंट ने मुझे बता। अच्छा ठीक है, वो मतलब मेरी क्लास में भी कुछ बच्चे सीसी बोलते थे एंड आई वाज सीरियसली डोंट नो एनी आइडिया अबाउट सीसी, तो बाद में बच्चों ने मुझे बताया कि सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ओके बेटा, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है साकेत, कोई बात नहीं बच्चे, अभी हमने ज्यादा खास नहीं देखा, एंट्रोपी से पढ़ लो, ठीक है? ऑलरेडी आज थोड़ा पीछे ही रहेंगे हम, क्योंकि नया सेशन था तो स्लो स्टार्ट किया है। मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है? क्लास के बाद में आप पूछ लेना मुझसे, आई विल वेट फॉर यू अप टू 2-3 मिनट। अब हम बात करेंगे बच्चे एंट्रोपी चेंज की और उनकी कैलकुलेशन की।
अब एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल आएगा? अगर हमें बचे डेल्टा एस टोटल निकालना है, टोटल एंट्रोपी चेंज सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज के इक्वल होता है. ठीक है, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम. नाउ टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू द सम एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग. अगर बच्चे हम बात करें कि सिस्टम ने अमाउंट लूज करी है हीट, सिस्टम लूजेस अमाउंट ऑफ हीट क्यू एट अ टेम्परेचर टी वन. अगर बच्चे सिस्टम ने लूज करी है तो ऑब्वियस ही बात है, एक चीज लूज कर रही है तो दूसरे वाला उसको लेगा, तो सराउंडिंग गेन करेगा. मान लो एक चाय का कप था, ये मेरा सिस्टम है, ये अपनी हीट लूज करेगा. ऑब्वियसली चाय रख दूंगी मैं, अगर मैं अभी चाय पीने लगूं तो फिर मैं बोलूंगी कि नहीं मैं क्लास के बाद पीती हूँ, मैंने चाय लाके रख दी, तो ऑब्वियसली डैट वुड बी उसकी हीट जो है वहां से निकल के कहां पे रूम टेम्परेचर में हो जाएगी. ठीक है ना, ठंडी हो रही है वो, मतलब मैंने अगर यहाँ पे चाय रखी है बेटा तो उसकी जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है कहां पे, सराउंडिंग में. ऐसे ही मेरी चाय ने तो अपनी हीट लूज करी, क्या करी अपनी हीट लूज कर दी, और सराउंडिंग ने क्या कर ली उसकी हीट गेन कर ली. ठीक है, तो अब हम दोनों के लिए फॉर्मूला लिखेंगे. हम अभी पढ़ा डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस क्यू बाय टी वन, किसी एक टेम्परेचर पे माइनस क्यू बाय टी वन, और सराउंडिंग ने हीट गेन करी है तो डैट वुड बी ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो माइनस क्यू बाय टी टू. तो डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू टी वन प्लस क्यू बाय टी टू, दिस वुड बी द वैल्यू. ठीक है, माइनस ऑफ क्यू टी वन प्लस क्यू बाय टी टू. ये सबको क्लियर हुआ? यस, टोटल इज नॉट मोर देन जीरो. यस, सो इफ डेल्टा एस टोटल इज पॉजिटिव, अब हम क्या बोलेंगे कि वो जीरो से ज्यादा नहीं, टोटल एस पॉजिटिव होता है. जब बेटा पॉजिटिव होता है ना तो मतलब क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नेचर की है. इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. अगर डेल्टा एस नेगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस. और अगर डेल्टा एस क्या हो, जीरो हो, तो प्रोसेस का मतलब क्या है कि दोनों इक्विलिब्रियम पे है. ठीक है ना, इफ डेल्टा एस इज जीरो द पोजिशन इट एट इक्विलिब्रियम. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन तीन पॉइंट्स के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है ना, सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो इसको हम कैसे याद करते हैं, टू बी रिमेम्बर्ड, TBR. मेरे को भी देखो शॉर्टकट आता है, शॉर्ट फॉर्म्स जैसे CC के साथ टू बी रिमेम्बर्ड, TBR वाला. ठीक है, तो ये बच्चे इस पे नीट और JEE में काफी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी, पता उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. तो आपको क्या देखना है कि अगर डेल्टा एस जो है पॉजिटिव है तो बच्चे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, अगर नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर जीरो आ रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम. प्रोसेस क्या है, इक्विलिब्रियम पे है. क्लियर? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? फटाफट हैंड रेस, हाँ फटाफट से कर दिया करो. बिल्कुल सही, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड. चलो आगे चलते हैं बच्चे. अब हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी की, कि एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस हम कैसे निकालते हैं. सो विद द चेंज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे बच्चे टेम्परेचर चेंज होगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम क्या रखना है आपने, कॉन्स्टेंट है हमारा वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो रहा है. ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है यानी टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी. अब ऐसा क्यों, देखो इसका ना बड़ा सिंपल सा रीजन बताती हूँ मैं. टेम्परेचर चेंज करता है तो एंट्रोपी क्यों बढ़ती है. देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, पहले मान लो ठंड थी 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ जमी पड़ी है. ठीक है, आजकल तो वैसे ही ठंड हो रही है ना, पर इतनी ठंड नहीं है कि हम बोले कि हमारी बर्फ जमी पड़ी है ना. चलो ठंड है, हमने बर्फ जमाई ली, बर्फ जमी हुई है, बर्फ जमी है मतलब सॉलिड है भाई, मॉलिक्यूल टाइटली पैक है. टेम्परेचर बढ़ा दो, हमने अपने रूम में लगा दिया हीटर, हीटर से क्या हुआ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया. ठीक है, पानी बन गया, अब बर्फ से क्या बन गया, वाटर, वाटर मतलब लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ी 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 दूर. अब क्या करा, अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ये मानो भट्टी बिठा दी 100 डिग्री सेल्सियस, पानी को बॉयल करना लगा दिया, बॉयल कर दिया बेटा, वो तो गैस में कन्वर्ट हो गया. गैस में कन्वर्ट हुआ तो ऑब्वियसली उसके तो मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ दूर दूर तक जाएंगे,
तो एंट्रोपी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है हमारी एंट्रोपी भी इंक्रीज करती है, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस ही तो है ना। बात समझ आई, क्लियर हुआ ये पॉइंट या मैं दोबारा बताऊं? हनु को क्लियर है और बाकी बच्चे साकेत को क्लियर है, नंदिनी को भी, नंदिता को क्लियर, गणेश के लिए रिपीट कर देते हैं। देखो बच्चे मैं क्या कह रही हूँ कि टेम्परेचर के बढ़ने से एंट्रोपी कैसे बढ़ती है, कैसे बढ़ती है एंट्रोपी। अब मान लो टेम्परेचर बहुत कम था, 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है बर्फ जमती है, हम सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है, आइस। आइस में, आइस क्या होती है, सॉलिड होती है, और आपको भी पता है सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, मतलब वो मूव तो करेंगे ही नहीं, तो रैंडमनेस कहाँ से आएगी? अगर मूवमेंट नहीं होगी बच्चे, रैंडमनेस कहाँ से आएगी? फिर आपने कुछ टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लो आपने 30 कर दिया, बर्फ पिघल गई, पानी बन गया। अब लिक्विड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, थोड़े दूर दूर हो रहे हैं बच्चे, रैंडमनेस आएगी उनमें। अब 100 पे ले गए टेम्परेचर और बढ़ा दिया, 100 पे क्या होगा, वो तो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, और वेपर्स का क्या सीन होता है, गैसियस का क्या सीन है, कितनी दूर दूर दूर, मतलब मॉलिक्यूल्स में आपस में कोई अट्रैक्शन रह ही नहीं जाती। तो बेटा जब मॉलिक्यूल्स इतनी दूर तक मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रैंडमनेस भी उनकी बढ़ेगी। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है, ठीक है, और सिस्टम की एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो ही रहती है, क्लियर। एंड सिस्टम एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो, क्लियर हो गया आप सबको। अब हम बात करेंगे बच्चे वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम का क्या सीन होगा, अब मुझे कौन बताएगा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर कहीं ना कहीं तो सेम बात ही सजेस्ट करेंगे ना। अगर बच्चे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ही, है ना, इंटर रिलेटेड है। कैसे, कि अगर मैं एक गिलास में थोड़ी सी बर्फ डालूं, यानी मैंने बर्फ डाली, उसने बच्चे इतनी सी जगह ली, अगर मैं अपने हाथ का एग्जाम्पल लूं, मैंने एक टुकड़ी बर्फ रखी, थोड़ी सी जगह ली, लेकिन जब वो पिघलेगा ना, वो क्या करेगा, पिघलेगा, तो वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है, अगर आप बच्चे टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख लो तो भी जितना ज्यादा वॉल्यूम, अगर मान लो मैं बोलूं मेरे पास इतना सा ही डब्बा है और मेरे पास इतना डब्बा है, मॉलिक्यूल्स बेचारे चार मॉलिक्यूल यहाँ इतने में कितना मूव करेंगे, इतना ही, यहाँ पे चार मॉलिक्यूल की तो मौज होगी, वही बात है ना, वो तो कह रहे हैं अरे इतनी खुली जगह, हम तो पूरा रैंडमली मूव करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो एंट्रोपी भी क्या करती है, इंक्रीज। तो चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि टेम्परेचर और एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और एंट्रोपी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से भी एंट्रोपी बढ़ती है और वॉल्यूम के बढ़ने से भी एंट्रोपी बढ़ती ही है, ठीक है। फेस चेंज में एंट्रोपी वही चीज है बेटा, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, गैस की, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, फिर लिक्विड की और फिर सॉलिड की। तो ये तीनों हमें ध्यान में रखने हैं, सबसे ज्यादा गैस की, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड, ठीक है। फेस चेंज में भी हमारे पास यही पैटर्न रहेगा। अब बताओ ये स्लाइड में से कोई पॉइंट किसी को ना समझ आया हो तो, यस ठीक है, सबको क्लियर है, वेरी गुड, ग्रेट, गुड, ठीक है, चल थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चे एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस के लिए। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला निकालना है आइडियल गैस के लिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये हमने पढ़ा था, डेट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू वाला वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। पी डी क्यू को अब सारी इसको हमने क्या करा, टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, डी क्यू को क्या कर दिया, टेम्परेचर से डिवाइड, डी यू को भी, पी डी वी को भी, ठीक है। अब डी यू को डी क्यू फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए हमारे पास क्या रहेगा, डी क्यू कॉन्स्टेंट होता है, आइडियल गैस के लिए क्यू वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, तो डी यू बाई टी इज इक्वल टू पी डी वी को क्या लिख सकते हो आप, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना, तो एन ऑफ सी वी डी टी, एन ऑफ सी वी डी टी कर दिया हमने, ठीक है। डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी टी आइडियल गैस के लिए किसके इक्वल आ जाता है, एन ऑफ सी वी डी टी बाई टी,
डीयू की सिर्फ वैल्यू निकाली है, एन सी वी डी टी, ये हीट कॉन्स्टेंट से हमने निकाली। तो यहाँ पे पी डीवी को क्या लिख सकते हो आप, एनआर लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख दिया, एनआर बाय वी, पी डीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखना था हमने। तो ये एन आर टी बाय टी तो था ही, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसको टी से टी कैंसल हो गया, एन आर डी वी बाय वी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो एन ऑफ सी वी कॉमन ले लिया हमने, एन सी वी कॉमन ले लिया, डी टी बाय टी का लॉग वैल्यू निकाला और डी वी बाय वी की लॉग वैल्यू निकाली। तो लॉग नेचुरल टी टू बाय टी वन और लॉग नेचुरल वी टू बाय वी वन आ गया। देखो इसको मैं दोबारा बताती हूँ, लेट्स जस्ट डू इट वंस अगेन, शुरू से करते हैं हम इसको इरेज करके। देखो बच्चे हमें क्या निकालनी है, एंट्रोपी निकालनी है फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हम एंट्रोपी चेंज की वैल्यू निकालने वाले हैं। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या कहता है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी, यानी कि वैसे इंटरनल एनर्जी क्या थी, क्यू प्लस डब्ल्यू थी, ठीक है ना। आप अगर यही हो रहे हो कंफ्यूज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू होती है बेटा माइनस पी डीवी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डीवी, ठीक है। अब इसी को मैंने लिख दिया डी यू प्लस पी डीवी इज इक्वल टू डी क्यू, ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दी। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अगर फर्स्ट में ही उलझे थे तो मैंने फर्स्ट चीज को ही क्लियर किया, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं आई। एक बारी हैंड रेस कर दो कि ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब बच्चे अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी हमें पता है कि भाई डी क्यू बाय टी है, अभी अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए ना डेल्टा क्यू बाय टी। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया टी से, डी यू बाय टी पी डी वी बाय टी। यहां तक भी हमें पता चल गया कि हमने क्या करा, इसको सारे को ही टी से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड टी से डिवाइड करोगे कट जाएगा, बोथ सेम सेम थिंग होती है। बट फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए बेटा इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डी यू की वैल्यू फॉर आइडियल गैस व्हाट वुड इट बी इक्वल टू, एन ऑफ सी वी डी टी। एन ऑफ सी वी डी टी का क्या मतलब है, ये हमने कौन सा पढ़ा, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा। तो डी यू क्या होता है, एन सी वी डी टी, तो डी यू बाय टी क्या हो गया, एन सी वी डी टी बाय टी, डी यू बाय टी क्या हो गया, एन सी वी डी टी बाय टी, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, हमें निकालनी है चेंज इन एंट्रोपी यानी डी एस फॉर सिस्टम। तो ये इसके लिए डी क्यू रिवर्सिबल की जगह डी क्यू बाय टी की जगह आपने क्या लिख दिया, डी एस, वही होता है ना बच्चे, एंट्रोपी का ही फॉर्मूला है क्यू डी क्यू बाय टी टी। तो यहाँ पे डेल्टा एस लिख दो या डी एस लिख दो। डी यू बाय टी की वैल्यू क्या थी, एन सी वी डी टी बाय टी। अब पी डी वी बाय टी को एन आर बाय वी डी वी कैसे लिखा, ठीक है। अब बात आती है कि इसको हमने पी डी वी को एन आर बाय वी कैसे लिखा, ठीक है ना। सो दिस वुड बी द थिंग। अब हमारे पास पी की वैल्यू क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी डी वी क्या हो जाएगा, एन आर डी टी, यस। पी डी वी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एन आर डी टी। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें विद रिस्पेक्ट टू डी वी चाहिए थी, हमें डी टी नहीं चाहिए, हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू चाहिए, टी के विद रिस्पेक्ट टू, हमें किसके, डी वी के विद रिस्पेक्ट टू। तो हमने यहाँ पे पी डी वी को एन आर डी टी नहीं लिखा, हमने टी वाली इक्वेशन को लिखा। यहाँ पे डी टी वाली इक्वेशन को आपने क्या लिख देना है, एन आर बाय, दोनों को वी से डिवाइड कर दो, दोनों को वी से डिवाइड करो, वी इंटू डी वी कर दो, ठीक है। वी से भी डिवाइड कर दिया और डी वी से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम और वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। वैसे यहाँ पे हमने एन आर टी बाय टी कर दिया, ठीक है, ये dv था। अब मैंने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, ताकि मेरे पास क्या इक्वेशन आए, dv बाय v आ जाए। तो अब ये तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था ना, आप लोगों ने इंटीग्रेशन वाली टर्म मैम कह रहे थे आपको करवाई है, इंटीग्रेशन तो पता है ना हमें, dt बाय t की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, लॉग नेचुरल अपर लिमिट डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट, और ये क्या हो गई, लॉग नेचुरल v2 बाय v1। तो डेल्टा s हमारे पास क्या आ गया, ncv लॉग नेचुरल t2 बाय t1 प्लस log natural v2 by v1। Boyle's law से हमने पढ़ा था कि p1 v1 is equal to p2 v2 होता है, तो आप इसकी जगह v p1 by p2 को लिख सकते हो, v2 by v1,
तो v2 टू बाई वी वन की जगह अगर आप p1 वन बाय पी टू भी लिख रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब बताओ किस पॉइंट में अटक गए या कौन सा पॉइंट हमें नहीं समझ आया, हम वो रिपीट करते हैं। यस, हू इज गोना टेल मी कि कहां प्रॉब्लम आई है। यस, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज आस्क। मैं माइक ऑन कर देती हूँ, जिसको पूछना है वो पूछ सकता है। लेट्स मी जस्ट कहाँ गया माइक। यस प्लीज आस्क अगर किसी को कोई डाउट है। यस एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज टर्न ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके श्योर। Yes, anyone having any doubt? क्या आगे चले? अरे 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 यस बेटा यस। हेलो बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज आस्क। कौन बोल रहा है? मैं मोल हीट कैपेसिटी के बाद से बात पूछा ना। मोलर हीट कैपेसिटी के बाद, ठीक है ओके। और किसी को कोई डाउट बेटा? और किसी बच्चे को? नो। चलो ठीक है, मैं एक बारी ये वाला रिपीट कर देती हूँ नंदिता, ठीक है। देखो बच्चे हमने ये चीज पढ़ी थी मूलर हीट कैपेसिटी में, हमने तीन तरह की वो हीट कैपेसिटीज पढ़ी थी। एक तो थी हीट कैपेसिटी और एक क्या थी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक थी बच्चे मूलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो मूलर हीट कैपेसिटी का हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है? मूलर हीट कैपेसिटी में जनरली हमारे पास क्या रहता है? डी यू किसके इक्वल होती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। सी वी का क्या मतलब है? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हमने लिया है। सी वी का मतलब क्या है कि हमने क्या लिया हुआ है? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो वो फॉर्मूला हमने इसमें पुट करा है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चे डी यू का, एन सी वी डी टी, वो चीज हमने यहाँ पे पुट करी है, ठीक है। यस नंदिता बेटा क्लियर हुआ? ओके चल ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चे। अब हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, आइसोथर्मल का क्या मतलब होता है? आइसोथर्मल, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल? कौन बताएगा मुझे? ये पढ़ा होगा आप सबने पक्का, आइसोथर्मल सबने पढ़ा होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर, बिल्कुल सही बच्चे। टेम्परेचर जिसमें क्या रहे? कांस्टेंट रहे। अब हम उस चीज के लिए पढ़ने वाले हैं कि एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है बच्चे? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल या आइसोथर्मल डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में हमने लास्ट में पढ़ा था कि डेल्टा यू की वैल्यू क्या रहती है? जीरो रहती है, ठीक है ना। फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन डेल्टा यू इज जीरो। अब बच्चे अगर डेल्टा यू जीरो है तो क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया, यानी क्यू किसके इक्वल हो गया? माइनस डब्ल्यू के। और डब्ल्यू की इक्वेशन भी हमने पढ़ी थी एनआरटी लॉग नेचुरल वी टू बाय वी वन। तो डेल्टा एस भी किसके इक्वल आ गया? एनआर, और ये आ गया ना माइनस एनआरटी लॉग नेचुरल वी टू बाय वी वन। तो अब हमें पता है डेल्टा एस क्या होता है? क्यू बाय टी होता है, टी कैंसिल हो जाएगा तो किसके इक्वल? माइनस एन आर लॉग नेचुरल वी टू बाय वी वन के। ये तो बहुत ही ईजी था, एक बार हम दोबारा करते हैं, फिर भी चाहे बच्चे इजी हो मेरे हैबिट है मैं दो बार कराती हूँ। देखो दोबारा करेंगे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या रहता है? जनरली आइडियल गैस में वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी उस केस में जीरो हो जाती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है ओवरऑल में। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्या बोला है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, मतलब डेल्टा यू क्या हो गया? जीरो हो गया। तो क्यू प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया? जीरो के। क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू।
अब हम W की एक इक्वेशन पढ़ के आए थे बेटा कि एन आर टी लॉग नेचुरल वी टू बाय वी वन, ये हमने लिख दी। अब हमें तो एंट्रोपी निकालनी थी, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाय टी। अब ये W और क्यू एक ही जैसे इक्वल है, ठीक है ना, माइनस के इक्वल है, तो अगर माइनस लगा दिया हमने तो माइनस एन आर टी लॉग नेचुरल वी टू बाय वी वन डिवाइडेड बाय टी, टी से टी कैंसल, माइनस एन आर लॉग नेचुरल वी टू बाय वी वन हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारी वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, निधि को क्लियर है, साकेत फटाफट फटाफट, वेरी गुड, सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मेरे को मतलब इंटेलिजेंट वाले बच्चों का बैच मिला है, सो दैट्स रियली ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतने अच्छे अच्छे बच्चे मिले हैं। चलो चल नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी, अब हमारे पास कुछ चीजें दे रखी हैं, हमें पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एंट्रोपी किसकी होगी, मरकरी की, हाइड्रोजन की, वाटर की या ग्रेफाइट की। अब हम पोल रेस करेंगे, चार्ट में हम नहीं बताएगा कोई, चार्ट में क्यों बता रहे हो, मैं पोल रेस करती हूँ बेटा, उसी में आंसर करो। देखो देखो बच्चे टिके ही नहीं, वो कह रहे हैं हमें इतना अच्छे से आंसर आता है कि मैम हम तो पोल की वेट ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं, लेट्स गो, लॉन्च हो गया हमारा पोल, फटाफट से आंसर बताओ मुझे, देखते हैं कौन कितनी जल्दी वोट करता है। वेरी गुड वेरी गुड, वन टू थ्री, ओनली वन वोट आ रहे, मेरे को तो लगा था वन टू थ्री कहने पे दस वोट आने वाली है, तीन वोट्स, चार वोट्स, बी और सी में कंफ्यूज है बच्चे बेचारे, बी सी, बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बी बी बी, देखो चलो अकॉर्डिंगली एक, ठीक है सबका आंसर, वैसे छह वोटे बी को है, चार वोटे सी को है, भाई तुम्हें तो ना वोट करेंगे ना, तुमने आम आदमी पार्टी को एक वोट से ही जिताना है फिर, वैसे तो दिल्ली में आप जीत गए, तुम्हारे हाथ में होता ना तुम दूसरी पार्टियों को भी वोट दे के आते, है ना, तो एंट्रोप, अरे आंसर क्यों निकाले हमने, देखो मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हाइड्रोजन इज गैस, वाटर तो ऑब्वियसली लिक्विड है, ग्रेफाइट हमारा सॉलिड है, यही चीज तो हमने पढ़ी थी कि गैस की सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है, ठीक है ना, अब बच्चे हाइड्रोजन गैस में है तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी भी किसकी होगी, हाइड्रोजन की, क्योंकि गैस को क्या होता है बहुत सारा उसके पास स्पेस है, स्पेस में मॉलिक्यूल इधर उधर कहीं भी मूव करेंगे ना, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज कि वो क्या है हमारे पास हाईएस्ट एंट्रोपी किसकी है, गैस वाले की। क्लियर? तो जिसने भी चार बच्चों ने गलत दिया ना वो गलत बात है उनकी, ठीक है बच्चे, मैंने समझाया, थोड़ा ध्यान से आंखें, आंख कान नाक खुले रखो, ठीक है, इधर नाक बंद कर लो चाहे, ये मेरे को पता है घर में खाना वाना बन रहा होता है इस टाइम, उधर ध्यान होगा फिर खाने में मन करेगा, कान और आंखें खुली रखो, ठीक है, सो आंसर इज हाइड्रोजन, तो हमारी सेवन वोट के साथ हमारा हाइड्रोजन जो है वो विनर बन गया है, कौन हाइड्रोजन विनर बना है, और विनर हमारा सुटेबल था, ठीक है ना, वो सही भी था तो विनर को एक्सेप्ट कर लिया गया। चलो अब हम चलते हैं दूसरी बात पे, नेक्स्ट हमें बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, द बोथ डेल्टा एस एंड एस आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बोथ एस एंड डेल्टा एस आर नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, देखो पहले बोल दिया कि वो फंक्शन है टेम्परेचर के, फिर बोल दिया वो नहीं है फंक्शन टेम्परेचर के, आप क्या बोला एस तो है डेल्टा एस नहीं है, फिर बोला एस तो है मतलब डेल्टा एस तो है पर एस नहीं है, अब क्या है, ये इतनी कंफ्यूजन है कि मैं तो कंफ्यूज हो गई हूं, अब मुझे पता करना है कि कौन मेरी कंफ्यूजन को दूर करेगा, दोबारा से हम वोट लेते हैं, मुझे तो खुद कंफ्यूजन हो गई, पोल में लिखा ही नहीं कि कौन सा ऑप्शन है एच है, कैसे, मैंने बस एबीसीडी लिख दिया बेटा, वो नहीं आप इधर से देख लो एबीसीडी, वो लिखने लगेंगे ना तो बहुत टाइम जाता है बेटा, सिंपल एबीसीडी आपको क्लिक करना है, आप इधर से पढ़ो व्हाट ए बी सी डी, क्लिक ऑन द पोल, ओके गो, वन टू थ्री, ठीक है, एक बच्चे ने वोट कर दिया है, दो बच्चों ने वोट कर दिया है, अरे 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 वेरी गुड,
वोटिंग के मामले में पूरे शेर हैं ये सारे हमारी क्लास के बच्चे, है ना। मतलब कह रहे हैं मैम हमें 18 का होने दो, हम तो हर साल दिल्ली में वोट करेंगे, हम सरकार भी हर साल बनवाएंगे। वैसे कितने साल के लिए सरकार बनती है? यस, कितने साल के लिए होती है ये कौन बताएगा मुझे? जनरल नॉलेज, 5 ईयर, वेरी गुड। चलो मतलब जीके भी स्ट्रॉन्ग है भाई, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, सब में तेज है हम। ग्रेट, ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है, बिल्कुल। मतलब अब नेक्स्ट 5 ईयर नेक्स्ट में मतलब आनी वाली है, पर अभी तो मैं कहने लगी थी अगली वोट्स में शायद तुम लोग वोट दे पाओगे, नहीं, बट अभी तुम छोटे हो, है ना। यू ऑल आर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 17, 15-16 साल के ही होंगे ना सारे। हाँ 15-16 वाले हैं, तो अभी उसके बाद देना वोट्स, ये वाली भी निकाल लो बिना वोट के। यस, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिली जुली सी वोट मिली है हमें, ए को मिली है 3 वोट, बी को मिली है 2 वोट, सी को मिली है 2 वोट, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है। आंसर हमारा ए है। देखो बेटा क्या था, मैंने क्या बताया था, एस क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब क्यों? रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब ये थोड़ी है डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगी, ठीक है। तो दोनों ही फंक्शन है टेम्परेचर के, बोथ डेल्टा एस एंड एस आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दोनों ही टेम्परेचर के फंक्शन है, डेल्टा एस बी और एस बी। सो हमारा 3 वोट के साथ ऑप्शन ए जो है विनर बन गया है, और ये विनर को हम जस्टिफाई भी कर देते हैं, करेक्ट, ठीक है ना, करेक्ट है ये। 3 ही बच्चों ने सही आंसर दिया, बट फिर उन्होंने दे दिया, ये ना बड़े चलाक है, कुछ बच्चे सुनने के बाद फिर वोट कर देते हैं। 5 कर दिए इन्होंने वोटे, चलो हम यहाँ पे 5 ही लिख देते हैं, एटलीस्ट हमारा विनर कुछ अच्छी वोट से तो जीते, है ना। चलो गुड है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद आप लोगों ने, नहीं नहीं ये दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन अ केमिकल रिएक्शन, द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। ये करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है ये आपको बताना है। द चेंज इन एंट्रोपी अलोंग विद सुटेबल चेंज इन एंथैल्पी डिसाइड द रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट है या फेट है? फेट का मतलब क्या होता है? अच्छा चलो, अगर ये वर्ड जो है मिसप्लेस भी हो गया तो भी इसका एक बहुत अच्छा मीनिंग बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय फेट? रेट तो सबको पता होगा, फेट क्या होता है, किसी को पता है? डेस्टिनी, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब इन्होंने ये भी बता दिया कि चेंज इन एंट्रोपी जो है वो एंथैल्पी की, चेंज इन एंथैल्पी डिसाइड करती है कि रिएक्शन की किस्मत कैसी होने वाली है। हाउ इज द फॉर्च्यून ऑफ रिएक्शन, कैसी किस्मत है रिएक्शन की, या फिर क्या रेट है, डिसाइड द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। द एंथैल्पी ऑलवेज डिक्रीजेस, अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। बोथ द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दोनों ही हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। तो इसमें से देखते हैं कौन सही बताता है। एंड हु बिलीव इन डेस्टिनी, इज देयर एनीवन हु बिलीव इन डेस्टिनी? यस, किसी को शौक है वो राशियां वाशियां पढ़ने का, ऐसे कुछ बच्चे? नो मैम, ठीक है, मतलब सुपरस्टिशियस नहीं है कोई, यहाँ पे छींक मार दी तो बैठ के जाएंगे, 10 मिनट बाद जाएंगे, ठीक है, ऐसे वाले नहीं है बच्चे। चलो दैट्स ग्रेट, मैं शेयर करूं तो मैं बहुत ऐसी हूँ, आई वॉज रियली वेरी सुपरस्टिशियस, मेरे को बहुत इन बातों में ध्यान रहता है। तो रात को सुबह उठने से पहले मेरा फर्स्ट काम होता है राशि पढ़ने का। सो मैं मतलब ये गलत आदत है, एक तरह से नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो जो नहीं है दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। पायल कह रही है मैं थोड़ा थोड़ा बिलीव करती हूँ, चलो ठीक है, मेरा ज्यादा ही बढ़ गया आजकल। ओके, तो अभी तक हमें 5 वोटें मिली हैं, फटाफट से वोट करो, देखते हैं कौन हमारा सही बताता है। वैसे ना ये क्वेश्चन का आंसर मैंने शुरू में ही बता दिया था, जब मैंने आपको बोला था कि बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने ये पढ़ा था, और फिर हमने बोला था कि हम एंट्रोपी अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना, मैंने बताया था सबको। देखते हैं याद था या नहीं, ध्यान से नहीं सुनते तुम लोग ना, नहीं सुनते ध्यान से,
ध्यान से सुनना करो बेटा, मैंने क्या बताया था कि एक तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, ये बताया था, डिक्रीज नहीं हो सकती. ऑलवेज इंक्रीज का क्या मतलब है कि इट मे बी कॉन्स्टेंट एट सम मोमेंट, कि ये कॉन्स्टेंट भी हो सकती है. तो एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज नहीं हम लिखेंगे, हम क्या लिखते हैं कि एंट्रोपी जो है वो कम नहीं होती, बट एट सम मोमेंट इट कैन बी कॉन्स्टेंट एंड इंक्रीज, बट ये कभी भी डिक्रीज नहीं करेगी. हर वक्त कॉन्स्टेंट नहीं रहती एंथैल्पी, और एंट्रोपी कॉन्स्टेंट नहीं होगी. तो चेंज इन एंट्रोपी जो है, द फेट ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एंट्रोपी एंड एंथैल्पी. रेट हो या फेट हो, दोनों ही क्या चीज पे डिपेंड करते हैं, एंट्रोपी पे भी. डेल्टा एस वैल्यू क्या है किसी की, और डेल्टा एच वैल्यू क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट किसी भी रिएक्शन का. ठीक है, फेट नहीं या रेट ही लिखेंगे. ओके, सो वैसे तो बच्चों ने सही बता दिया हमारे, अरे सबने, मतलब ए को मिली है 2 वोट, बी को मिली है 7 वोट, डी बेचारे को मिली 1 वोट. तो बी 7 जो है हमारा विनर होता है, और विनर को हम जस्टिफाई करके फर्स्ट पोजीशन पे निकालते हैं, क्योंकि ये सही था. ठीक है, वेरी गुड. अरे अरे न्यूमेरिकल, चलो करके देखते हैं क्या बातों की. स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एक्स टू, Y2 and XY3 are 60, 40 and 50. यानी X2 का बच्चे डेल्टा S वैल्यू 60 है, Y2 की 40 है, और हमारे पास Y3 की 50 है. फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच -30 जूल टू बी एट इक्विलिब्रियम. तो टेम्परेचर क्या होगा, हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर. Yes, how we can do it? कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसके बारे में कुछ जानकारी कोई देना चाहेगा? कोई जानकारी मुझे इस क्वेश्चन के बारे में देना चाहेगा? किसी को कुछ पता हो, 2 मिनट ले लो, 2 मिनट दे देते हैं हम. चलो माइक ऑन करते हैं. आई थिंक सो साकेत हमें बताएगा कि कैसे होता है. यस यस साकेत, बताओ बेटा. नो मैम, एक्चुअली इंटरनेट इशू की वजह से हैंड रेज हो गया था. अच्छा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई भी बच्चा बताना चाहेगा, किसी को कुछ आता हो? यस, डेल्टा एस इंटू क्यू इज इक्वल टू टी, बिल्कुल सही. देखो इसको कैसे करेंगे बच्चे, पहले हम डेल्टा एस वैल्यू निकालेंगे. डेल्टा एस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि S of product minus delta S for reactant. Product में क्या क्या दे रखा हमें, product में तो बेचारा XY3 है, उसकी वैल्यू कितनी है 50. XY3 की वैल्यू कितनी है 50, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट 60 + 40 यानी 100. तो डेल्टा S आ गया -50. ठीक है, अब T डेल्टा S की वैल्यू होती है Q/T. Q जनरली डेल्टा S को ही रिप्रेजेंट करता है, तो T निकालना है. T क्या आ जाएगा, Q बाई डेल्टा S. Q क्या है हमारा, डेल्टा H बाई डेल्टा S. डेल्टा H दे रखा था हमें, कितना दे रखा है डेल्टा H, -30 किलो जूल. किलो जाउल दे रखा है और ये जाउल में दे रखा है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है सबने बेटा. कई बार क्वेश्चन हमारा यही गलत हो जाता है, एक चीज हम किलो जाउल में लिखाते हैं और एक जाउल में, तो इसको पहले तो जाउल में चेंज कर लिया बेचारा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, काटा पीटा इसको. 30 × 1000 / 40, ये 2, 50, 25, 750 केल्विन. देखा, ये कैलकुलेशन का तरीका आज भी मेरा यही है. कौन ऐसे करता है बच्चों की तरह कैलकुलेशन, जितने मर्जी बड़े हो जाओ PhD कर लो, कैलकुलेशन करने का मजा वही 2 2 2 करके ही है ना. ठीक है, दैट्स ग्रेट, वरना हम सीधा सीधा भी कर सकते थे, हम यही करेंगे 750 के. तो ये सबको क्लियर हुआ, एक बार हम दोबारा करते हैं. देखो बेटा क्या था, दोबारा से देखते हैं. सो स्टैंडर्ड एंट्रोपी X2, Y2 और XY3 के लिए बच्चे दे रखी थी. रिएक्शन हमें दे रखी है 1/2 ऑफ X2 + 3/2 ऑफ Y2 XY3. ठीक है, अब हम पहले डेल्टा जी वैल्यू निकालेंगे इसकी. ठीक है ना, चेंज इन एंट्रोपी, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट की 50 थी, रिएक्टेंट्स की 30, अरे अरे ये तो 30 प्लस
अरे ये तो हमने किया नहीं ना, जैसे ये 50 है माइनस, तो इसकी वैल्यूज पे तो पुट करेंगे हम 1/2 इंटू 60 प्लस 3/2 इंटू 40, ये करना था हमें 30 और ये 20, तो ये 26, 3 × 60 प्लस 30, तो ये 90 हुआ ना, हमने 100 क्यों किया यहाँ पे, हाँ 90 हुआ, तो 50 माइनस 90 यानी कि माइनस का 40, और जाउल में था ये, किलो जाउल में था, तो माइनस 30 × 10^3 जाउल में, तो आंसर क्या आ गया 750 केल्विन। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना बच्चों, कॉफिशेंट भी मल्टीप्लाई करने हैं। अब बताओ किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी, यस किसी को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हो रही? नो, ठीक है, होनी नहीं चाहिए ये परेशानी, अगर है तो बता दो मेरे को, मैं बहुत कूल हूँ, मैं दूर कर दूंगी। ठीक है, अब मेरी तारीफ मैं खुद ही कर लेती हूँ, मैं बहुत कूल हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे अब हम आज की क्लास का। द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंजेस, इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसका एंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव होगा? पहली है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में ही फिर गैस में गया। डिसोसिएशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, आयोडीन को वाटर में डिसोसिएट किया। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 और H2 यानी हेबर प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाई? हेबर प्रोसेस। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस यानी सब्लिमेशन की प्रोसेस। तो इनमें से नेगेटिव एंट्रोपी किसकी होगी? कोई कर सकता है इसको वो सोच के आंसर, नेगेटिव एंट्रोपी किसकी होगी और क्यों होगी? यस एनीवन कैन? नोबडी? सी, ऐसा एक था मैंने शायद ना आगे कर दिया तो उसमें आंसर दिखा था, ये इसी वजह से सी है या कोई अच्छा रीजन है जिसकी वजह से सी है, बताओ। यस एकता, क्या कह सकते हैं बेटा हम? क्यों बोला एकता ने सी? सही है, फॉर्मेशन जो है बच्चे अमोनिया की वो लीड करती है नेगेटिव एंट्रोपी को। क्यों? क्योंकि जो हमारी एंट्रोपी होती है ना वो जनरली नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करती है, दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स एज वेल। तो हेबर प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ना प्रोडक्ट के वो कम होते हैं रिएक्टेंट से। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट से कम होते हैं तो दैट्स व्हाई डिक्रीज इन एंट्रोपी। देखो इधर रिएक्टेंट में 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1 नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन के, और बाद में बने कितने? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी 2 माइनस 4 का चेंज आ रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तो एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि जिस भी उसमें एंट्रोपी नेगेटिव होगी, मतलब कहाँ पे हो सकती है? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम हो रहे हो। ठीक है, क्लियर है सबको? यस गुड, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में नए चीजें लेके आएंगे, फिर हम वो नया चीज शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है। यस एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? कुछ भी टाइमिंग को लेके किसी को कोई दिक्कत परेशानी? यस मैम, मुझे टाइम चेंज कर